पर कोसते रहते थे पाकिस्तान को मोना, तो जाहिर तौर पर आपके लिए तो पसंद बाइडेन ही होंगे आपके मुल्क के लिए। अंजना एक्चुअली देखें, मुझे तो लगता है कि बाइडन ऑलमोस्ट ही इज ऑलमोस्ट देयर। अब ये अलग बात है कि ये सारे स्विंग स्टेट्स तो खैर बाइडन को फेवर कर रहे हैं और ये सारे अब लीगल अपने ऑप्शंस की तरफ चले गए हैं, तो लेट्स सी वेयर दिस गोज। अमेरिका में ऐसा सब होना और ये रिगिंग की एलिगेशंस पहले से ही ट्रंप साहब ने लगानी शुरू कर दी थी, उन्होंने विक्ट्री भी डिक्लेयर कर दी थी लॉन्ग बिफोर काउंटिंग हैड रीच्ड इट्स मिडवे। तो खैर ये बात अपनी जगह है, लेकिन देखें मैं बताऊं आपको, सिर्फ उस ट्वीट के ऊपर अगर ये इम्प्रेशन लिया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे ताल्लुक नहीं रखता, जो उन्होंने 2017 के शुरू में की थी, तो मुझे लगता है वो इम्प्रेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप से। अभी जब वो गए थे तो बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने इवन कश्मीर के बारे में भी कहा था कि वो ही वुड लाइक टू प्ले अ मीडिएटर रोल कश्मीर के मामले पर। और बाइडन की जहां तक बात है, वो प्रो मुस्लिम्स हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन स्टांसेस पे अपना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपना मौकफ रखते हैं, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव अपना रखते हैं। डेमोक्रेट्स का जनरली भी इसी किस्म का होता है, बाइडन हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट नजर आते हैं। एक काउंटर क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं प्रो मुस्लिम्स नजर आते हैं, मतलब आपको अमेरिका जैसे मुल्क के राष्ट्रपति में भी एक मजहब के लिए प्रो सोच चाहिए, ये आपकी आपकी शर्त है किसी को पसंद और नापसंद करने के पीछे? नो अंजना जी, मेरा कहने का मकसद ये था, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रेसिज्म पे वहां पर जो दंगे हुए हैं अमेरिका में, और जो सुप्रीमिसिस्ट हैं, वाइट सुप्रीमिसिस्ट हैं, फिर उसके साथ उनका ब्लैक्स का जो झगड़ा एक चल रहा था पिछले दिनों, फिर साथ साथ मुस्लिम्स, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत दफा शिकायत की है कि वो मार्जिनलाइज हुए हुए हैं, वो उनके कम्युनिटी में उस तरह का उतना रोल नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ इस सेंस में उनके लिए, इन देयर पर्सपेक्टिव, कि वो क्योंकि ये शिकायतें करते आए हैं और यहाँ पर ये कुछ अग्रीव्ड पार्टीज हैं जो हमें नजर आती हैं, तो उनको क्योंकि दिलासा दे रहे हैं जो बाइडन, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद वो ज्यादा एक उन्होंने पॉपुलर वोट हासिल किया है। ऑल्दो ये कि जो पॉपुलरिज्म की जो वेव थी, जो पॉपुलरिज्म की वेव थी जो 16-17 में चली थी, उसने जितवाया था डोनाल्ड ट्रंप को, इसमें कोई शक नहीं है, और 16 से ज्यादा वोट पड़े हैं इस दफा डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज इन गुड टर्म्स, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, क्योंकि इमरान खान को भी एक पॉपुलरिज्म या पॉपुलर लीडर तसव्वुर किया जाता है, यहाँ पाकिस्तान को अग्रेसिव और फर्स्ट टाइम इनटू प्राइम मिनिस्टरशिप और पहली दफा आए हैं यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी काफी सिमिलैरिटीज हैं इस तरह से, लेकिन जो बाइडन हमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं स्विंग स्टेट्स में। ठीक है, जल्दी से रईस सिंह साहब आपसे एक कमेंट, फिर ललित झा भी हमारे साथ जुड़ गए। रईस सिंह साहब, कुल मिलाकर हमने देखा, और ये वर्ड बड़ा अटक सा गया, ये जो प्रो मुस्लिम है इसलिए बाइडन पसंद है, क्या ये सोच रहेगी कई सारे इस्लामिक देशों की, और ट्रंप जो कई बार इस्लामिक टेररिज्म पर बोलने से कभी अपने आप को नहीं रोकते थे, खुलकर उसके खिलाफ बोलते थे, वो भी एक वजह बन सकती है पसंद नापसंद की दोनों शख्सियतों के बीच? अंजना जी एकदम आप सही कह रही हैं। आप देखिए, अगर ट्रंप का जो वोकल एक वो था, वो दबाए हुए नहीं रखते थे, वो स्पष्ट